ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मोहित ने अपने ऑफिस चेंबर में नया इंटरनेट कनेक्शन लगवाया। सारा काम ज्यादातर इंटरनेट पे ही होता था उसका, इसलिए इसको नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल था। काम के चक्कर में अक्सर रात को यहीं रुकना पड़ जाता था। दिली दिल में उसने अपने आप से कहा, अमां क्या जिंदगी है इन सब की, जरा अच्छी अंग्रेजी में लिखना आता हो बस हा? और अच्छे खाने पीने की कहानी समझा दो तो बैठे बैठे पैसा कमाए इंसान, ऐसी नौकरी मुझे भी मिल जाए तो मजा आ जाए। खट्टे दिल से उसने साइट क्लोज की और अपने काम में लगने ही वाला था जब एक ईमेल आया। चेक किया तो देखा सचमुच एक कंपनी को शहर के बारे में लिखने वाला कोई चाहिए था। तुरंत ही रिप्लाई अगले दिन सवेरे 11 बजे के करीब फोन पर इंटरव्यू के पहले राउंड के लिए आया। मोहित ने तुरंत ही ईमेल में दिए हुए नंबर को अपने फोन पर सेव कर लिया। 2-3 बॉल्स जहां बैट्समैन ने मिस की तो किसी भी इंडियन क्रिकेट फैन की तरह उसकी भी जुबान पर गुस्से में आ ही गया, ऐसा कोई खेलता है हा? टशन में हेलमेट तक नहीं पहना है और आए मुंह उठाए, सर फटेगा मन उसका। और अगली ही बॉल बैट्समैन के सर पर आकर लगी। मोहित तो एक पल को जैसे ये भी भूल गया कि उसका नाम मोहित है। बैट्समैन को जैसे जैसे पवेलियन लेकर जा रहे थे, मोहित खुद को उसका जिम्मेवार मान रहा था। वो दिल ही दिल ऊपर वाले से माफी मांग रहा था और मन हल्का करने को उसने फेसबुक खोला। फेसबुक पर एक आध पोस्ट्स किए, लोगों की प्रोफाइल्स देखी और तभी उसके सामने एक प्रोफाइल आई, किसी दोस्त की प्रोफाइल में एडेड एक लड़की शिखा की। बेहद खूबसूरत थी वो, नाक नक्श देख के मोहित कुछ देर तक तो बस उसकी तस्वीरें ही देखता रहा। पल भर में ही उसके साथ पूरी जिंदगी, कई गाने और पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तभी उसके मुंह से निकला, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो बस जिंदगी सेट थी बॉस। मोहित के फेसबुक अकाउंट पे दना दन एक के बाद एक कुछ मैसेजेस आए। मोहित ने मैसेज फोल्डर खोला तो उसको न अपनी आंखों पर यकीन हुआ और न ही अपने जागे हुए होने पर। एक पल को खुद को चुटकी काटी और फिर यकीन हुआ कि हां यह सचमुच हो रहा था, क्योंकि उसकी आंखों के सामने कई सारी तस्वीरें थी जो उसी लड़की के अकाउंट से आई थी और तस्वीरों में मोहित उसी लड़की के साथ था। ध्यान से तस्वीरें देखी तो समझ आया कि कुछ नकली नहीं है, मतलब लड़की भी शायद इंटरेस्टेड है। देख लो नलायको, ये है मेरी गर्लफ्रेंड, तुम्हारे भाई के प्यार में पागल है, मुझे स्टॉक करके मेरी फोटोज का कोलाज बनाया इसने। लेकिन अपने दोस्तों को वो तस्वीरें भेजकर जब तक लड़की को रिप्लाई करता वो लड़की ऑफलाइन हो चुकी थी। मोहित को याद ही नहीं था कि वो आखिरी बार इतना खुश कब हुआ था। खुशी खुशी उसने सोचा कि यहीं रुकेगा और सवेरे 11 बजे फोन पर इंटरव्यू देकर वापस अपने घर जाएगा। मोहित सोने गया। जब सवेरा हुआ तो नींद खुली फोन की रिंगटोन से। नींद में उसने फोन उठाया तो उधर से आवाज आई, अबे तू पागल हो गया क्या हा? ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेने लगा ना, अरे हम सबको फेसबुक पर अपनी नंगी फोटोज क्यों भेज रहा है, सारे दोस्त तेरा मजाक उड़ा रहे, अभी के अभी सॉरी बोल के डिलीट करवा अपनी तस्वीरें वरना जीना हराम कर देंगे सब तेरा। ये मोहित का उन दोस्तों में से एक दोस्त था जिनको घमंड में अपनी गर्लफ्रेंड समझ के उस लड़की की भेजी हुई कोलाज भेजी थी उसने। मोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। मोहित की नजर तुरंत घड़ी पर पड़ी
11 बजने में 5 मिनट बचे थे। उसने तुरंत ईमेल वाले सेफ नंबर पर इंटरव्यू देने के लिए फोन मिलाया, तो मोहित को अब और भी बड़ा झटका लगने वाला था। फोन पे बात हुई तो उधर से कहा गया कि ऐसा तो कोई मेल भेजा ही नहीं गया है मोहित को। मोहित ने बार बार कहा कि उसके पास कल रात को ही ईमेल आया था और उसे फोन करने को कहा गया था नौकरी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ से भी लगातार एक ही बात कही गई, रात को ईमेल करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऑफिस तो 6 बजे ही बंद हो जाती है और ऐसा कोई भी ईमेल पिछले 3 महीनों में किया ही नहीं गया है, क्योंकि यहां कोई नई वैकेंसी नहीं है। मोहित परेशान, हैरान और घबराया हुआ था। एक बात और थी, भागकर मोहित ने दरवाजा खोला और न्यूज़पेपर उठाया और पहले पेज की हेडलाइंस ना देख के पीछे से न्यूज़पेपर का स्पोर्ट्स पेज निकाला। इंडिया ने मैच जीत लिया था और जिस बैट्समैन के सर पे चोट लगना मोहित ने देखा था वो मैन ऑफ द मैच बना था और सर पे बॉल लगने जैसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं था। मोहित का दिमाग ठनका, जो जो उसने इंटरनेट पर देखा, पढ़ा या पाया, उन सब में गड़बड़ थी। जरूर हो ना हो, ये इसी इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत इंटरनेट वाले को फोन किया और कहा, ये तुम्हारा जो डब्बा डुब्बी लगा के गए हो, हाँ, सबका सब आधे घंटे में निकाल कर ले जाओ यहाँ से। वो आदमी भी क्या करता, मजबूरी में उसने कहा, सर आज तो शनिवार है, कोई नहीं आया है, सोमवार को लड़का आएगा तो वो आपका इंटरनेट कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देगा। मोहित फोन पटक कर कोने में जाकर कुछ देर बैठा रहा और फिर वापस सो गया। दोपहर का वक्त था, मोहित सो ही रहा था जब उसकी नींद एक जानी पहचानी आवाज के साथ खुली। मोहित ने अपनी आंखों के सामने पूरे होशो हवास में जो देखा तो उसकी आंखें हैरानी नहीं बल्कि खौफ से बड़ी होती चली गई, क्योंकि कंप्यूटर न सिर्फ अपने आप ऑन हो चुका था बल्कि उस पे बटन्स अपने आप दब रहे थे जैसे कोई इंटरनेट चला रहा था। मोहित रुआंसी सी आवाज में धीमे धीमे अपने आप से बोला, पता नहीं कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है। उसकी बात खत्म हुई ही थी जब एक बार फिर से कुछ अपने आप टाइप हुआ और मोहित ने देखा कि एक वर्ड डॉक्यूमेंट खुला और उस पर धीमे धीमे लिखावट बड़ी होती जा रही थी। वहां लिखा था, मुझे भूल गए बीवी। मोहित उसी वक्त तुरंत उठा और एक छलांग में ही सीधा कंप्यूटर तक पहुंच गया। कंप्यूटर शटडाउन करके मोहित ने इंटरनेट ऑफ कर दिया। मोहित के पास कोई चारा नहीं था, उसने तुरंत प्लग निकाल दिया। मोहित को लगा कि अब शायद वो चैन की सांस ले पाएगा, लेकिन एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि अगर बचना है तो जो तस्वीरें अब आएंगी उन्हें अपलोड करो। और इस मैसेज को पढ़ते ही एक के बाद एक कई सारी तस्वीरें आई और तस्वीरें देखकर मोहित को अपनी पूरी जिंदगी में चींटी तक को मारने तक की गलती याद आ गई। तस्वीरें उसकी छोटी बहन की थी, उन्हें अपलोड करने का मतलब था घर की इज्जत को सरे बाजार उछालना। मोहित के आंखों से आंसू छलक आए, समझ नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। सामने कंप्यूटर था जिसका प्लग निकला हुआ था, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर अपने आप टाइप होते गया, वक्त बहुत कम है,
10 तक गिना जाएगा। अपलोड कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। हर गुजरते पल के साथ वक्त बीतता हुआ स्क्रीन पर दिख रहा था। मोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जान बचाए या घर की इज्जत। और जब स्क्रीन पर 2 लिखा था, दिल में पत्थर और आंखों में आने वाले वक्त की शर्म लेकर मोहित ने सारी तस्वीरें सचमुच अपलोड कर दी और एक दहाड़ मारकर छाती पीट पीट कर कमरे के कोने में बैठ गया और रोने लगा। घर से पिताजी का फोन था। उन्होंने रोते रोते कहा, बेटा बेटा गुड़िया नहीं रही बेटा, सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया बेटा, बेटा सब बर्बाद हो गया। मोहित खुद को माफ कैसे करता? मोहित की बहन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसको मोहित ने ही मारा था। मोहित अपने घर की ओर भागा और किसी तरह भाग दौड़ कर मोहित जब घर पहुंचा तो सब कुछ देखता ही रह गया। उसकी बहन छत पर टहलती हुई किसी से फोन पर बातें कर रही थी। पिताजी और मां घर से शायद बाजार जाने को निकल रहे थे। मोहित फूट फूट कर रोने लगा एक कोने में बैठा, जब एक मैसेज और आया उसके फोन पे। मैसेज में लिखा था, हर कोई तुम्हारे जितना जलील नहीं हो सकता मोहित। मोहित अपना माथा पीट रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। मोहित अपनी सोच में डूबा खड़ा हुआ था जब मैसेज फिर से आया जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारे जितनी जलील तो नहीं हूं लेकिन इतनी सीधी भी नहीं हूं कि तुझे माफ कर दूं। इसके बाद 3-4 स्क्रीनशॉट्स आईं। स्क्रीनशॉट्स मोहित की अपनी फेसबुक टाइमलाइन की थी जिस पर मोहित की वही गंदी तस्वीरें लगी थी और उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। मोहित की आंखें ये देखकर फैलती गई जब उसके पास एक के बाद एक कुछ फोन्स आए और ऐसी बातें सुनने को मिली जिससे मोहित को खुद से एक पल में घिन हो गई। अरे वाह, चलेगा क्या हमारे साथ? अरे कब मिलेगा हा? और तू पैसे कितने लेता है हा? मोहित कहां अपना मुंह छुपाता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मोहित जानता था इस वक्त सबसे महफूज जगह उसके लिए उसका घर ही था। सीधे घर के अंदर जाकर दरवाजा उसने बंद कर लिया। मां और पिताजी बाहर गए हुए थे और बहन छत पर थी। मोहित अपने कमरे में जाकर अपने घुटनों में बैठा हवा से बातें करने लगा, रोने और गिड़गिड़ाने लगा, माफिया मांगने लगा। रोना धोना सुनकर उसकी बहन नीचे आई। मां और पिताजी तब तक वापस आ चुके थे। मोहित के पिताजी ने बड़े प्यार से पूछा कि बात क्या है, वो रो क्यों रहा है। मोहित अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसने पूरी बात अपने पिताजी को बता दी तो उसके पिताजी बुरी तरह से भड़क उठे और चिल्लाए उस पर, मैं जानता था ये एक ना एक दिन ऐसे ही खानदान का नाम डुबोएगा, निकल जा मेरे घर से बच्चा, निकल। मोहित को उसके पिताजी ने अपने घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल मोहित हर कुछ महीनों पर इंटरनेट कनेक्शन चेंज करवाता रहता क्योंकि उसका असली काम था लड़कियों से दोस्ती करके उन्हें बहला फुसला कर उनसे अपने मतलब की फोटोज मांगकर उन्हें इंटरनेट पर अलग अलग साइट्स पर अपलोड करना। कोई अगर ना माने तो उसके फोटोज से शक्ल काटकर दूसरों पे चिपका देना। इन सब काम के लिए कई साइट्स उसे मुंह मांगा पैसा देती थी। इसी काम में पिछले ही हफ्ते सोनिया को जब तक मोहित के असलियत का पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी।
और सोनिया की जिंदगी में बदनामी का तूफान आ चुका था। सोनिया ने आत्महत्या कर ली, घर से पिताजी ने निकाल दिया तो मोहित वापस अपने ऑफिस की ओर ही चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते ही एक पुलिस वैन आकर पास में रुकी और पुलिस ने मोहित को अरेस्ट कर लिया। उनका कहना था कि सोनिया के लिखे सुसाइड नोट के बिना पे उन्होंने चैट्स और फोटोज जहां से अपलोड हुए थे वहीं का आईपी एड्रेस निकाला और आखिरकार मोहित और उसके काम का पता चला। मोहित आज की तारीख में फिलहाल जेल में सजा काट रहा है और कहते हैं कि कभी कभी रातों को उसे दौरे पड़ते हैं जब वो दीवारों की ओर मुंह करके घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफी मांगता है और कभी पत्थर से तो कभी अपने खून से दीवार पर अपना आईपी एड्रेस लिखता है 10.104.67.77। और ये थी आज की एक कहानी ऐसी भी।